हाय, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं अदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पेत्रोजावो स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं रशिया के लिए। तो हमारे साथ आज प्रियंका है, शी इज़ ऑल द वे फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड, जहाँ पे हमारे संजय भैया रहते हैं। तो देखिए, सारे इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके मामा जी हैं, उनके मम्मी, उनके मामी हैं और उनके बड़े भाई आए हुए हैं और इनके फादर एयरपोर्ट में मिलेंगे। तो इनका डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ से, दिल्ली से एरोफ्लोट से मॉस्को जाएंगे, फिर सेंट पीटर्सबर्ग एंड देन बाय बस मेरे बंदे वहाँ से रिसीव करके आपको यूनिवर्सिटी में के सारा काम कर देंगे। तो आइए हम प्रियंका की मम्मी से पूछते हैं कि मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और लड़की को भेज रहे हैं? सर, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। अच्छा। और मैं अपनी बेटी को एक डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो मैम, नॉर्मली हम देखते हैं कि भाई पेरेंट्स में, ठीक है ना, मम्मी पापा में ऐसा होता है कि पापा बोलते हैं बच्चे को बाहर भेज देंगे, मम्मी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल रहते हैं कि नहीं, लड़की को बाहर नहीं भेजना। आपके केस नहीं, में क्या? प्यार अपनी जगह है और बच्चे का भविष्य अपनी जगह है। बहुत सही सोच। आई रियली अप्रिशिएट। मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये सोच रखना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में से हम अपने बच्चों को सपना दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उसके कान में छोटा वाला वो खिलौना वाले स्टेथोस्कोप ला के डाल देते हैं कि भाई तू डॉक्टर बनेगी, और जब एक्चुअल टाइम पे आते हैं तो वहाँ पे हम उसको रोक लेते हैं। और हमें रियली ऐसा हम उदाहरण चाहिए समाज में, जहाँ पे लड़का लड़की में भेदभाव ना करके हमको उन सबको पंख देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जो सपना है उसको पूरा करें। तो प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा बेटा कि एडोराइजन के बारे में कैसे पता चला? सर, आपकी एक वीडियो थी जिसमें लिखा था कि क्या आपका जो कंसल्टेंट है वो आपको रियल फीस बताता है या नहीं बताता है। कि आपको बोलते कि आपका पैकेज 25 लाख है, पर वो रियल में 30-35 निकल जाते हैं। तो वो वीडियो मैंने आपकी देखी थी। उसके बाद मैंने आपका नंबर लिया था, उसी वीडियो से लिया था, थंबनेल में था। और उसके बाद मैंने खुद भी मैसेज किया था, पापा को भी कहा था। वो वीडियो मुझे पापा ने भेजी थी। अच्छा, वो वीडियो पापा ने भेजी थी और उसके थ्रू हम आपसे बात हुई। आपके पापा क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में? मेरे पापा CRPF में है, वो असिस्टेंट कमांडेंट है और अभी कोलकाता में शिफ्टेड है। गुड। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, बाकी आपने जैसे YouTube में आपने ढूंढा, बहुत सारे और भी लोग आपको मिले होंगे कि भाई हम भी भेजते हैं, तो हम में क्या डिफरेंस लगा? रियलिटी, ऑब्वियसली रियलिटी जो आपने बताया कंसल्टेंट के बारे में वही लगा। उसके अलावा तो वही मतलब एक चीज़ थी जो मेरे को पता चले कि हाँ, यहाँ पे ट्रू हो सकता है, फेक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। देखो क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं उसमें 3 स्टेप होता है कि पहला कंट्री चूज़ करेंगे, कंट्री में कौन से कॉलेज चूज़ करना है, उस कॉलेज के लिए ये वाला कंसल्टेंट। तो आपने रशिया को क्यों चूज़ किया बेटा? सब बहुत सिंपल सा बेसिक सी चीज़ है। पहला तो आता है कि जो वहाँ रशिया और इंडिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेदर का है और कल्चर का डिफरेंस है। करेक्ट। तो इसीलिए जितना सेफ इंडिया है उतना ही रशिया भी सेफ है। और वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है वहाँ पे। सही बात है। बाकी जितने कंट्रीज हैं जहाँ पे जा सकते हैं वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट काफी कम होंगे, पर रशिया में उतने ही होंगे। बिल्कुल। तो फिर इतना डिफरेंट फील नहीं होगा। इंडिया के साथ कहीं ना कहीं रशिया का रिलेशन भी बहुत अच्छा है, डिप्लोमेटिक रिलेशन। करेक्ट। और पेत्रोजावो स्टेट यूनिवर्सिटी आप चूज की है बेटा, तो उसके खासियत थोड़ा सा बताइए। उसमें सबसे बेस्ट तो सर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगा। करेक्ट। उनके जो टीचर्स थे, जितना उन्होंने एकदम इजीली सब कुछ बताते हैं, वो उनकी क्लासेस भी चल रही थी जो मैंने खुद अटेंड की थी। करेक्ट। इंग्लिश टीचिंग है ना यूनिवर्सिटी। हाँ जी सर, बिल्कुल। उसमें हाँ, कुछ ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा डाउट हो जाए फिर बैक ऑफ कर ले, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ इजी था। हाँ जी सर। पेत्रोजावो स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, और समझ लीजिए 32 हॉस्पिटल अटैच्ड है। कैंपस के अंदर ही 5 या 6 हॉस्पिटल है, और टोटल जो सिमुलेशन सेंटर की बात करूँ, 11 डिपार्टमेंट का सिमुलेशन सेंटर है। इस बजट में पेत्रोजावो से अच्छा यूनिवर्सिटी आपको कोई भी कंट्री में नहीं मिल सकता। और समझ लीजिए ये एक ऐसा सिटी में है जो कि ना फिनलैंड के एकदम बॉर्डर में है, कहीं ना कहीं 1947 से पहले फिनलैंड में ही था। और बाई डिफॉल्ट आप अगर देखोगे कि रशिया में यहाँ पे रशियन कम और फिनिश लोग ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 70-60% जो लोग हैं वो आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिलेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जब हम रशिया की बात करते हैं तो हमारे लोगों को लगता है कि भाई एक्सट्रीम टेम्परेचर है, माइनस पे होगा, बहुत ठंड होगा, बट हमें ध्यान रखना चाहिए ये बाल्टिक सी के पास है और प्रॉपर पेत्रोजावो में बहुत सारा लेक है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि बहुत सारा वाटर बॉडीज है, तो इसी चक्कर में यहाँ पे दूसरे सिटीज़ में अगर टेम्परेचर -20 होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर -10 होता है।
एकदम 10 से 12 डिग्री का फर्क रहता है, तो इतना जो सीवियरनेस रहता है ना वेदर का उतना फील होगा ही नहीं। और दूसरा इसका जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है। अब अगर इसका लोकेशन देखेंगे दोस्तों, इसका लोकेशन मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग इट्स लाइक ट्रायंगल, तो आप चाहे मॉस्को से उतर के बाइज रोड जा सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग से जा सकते हो। फॉर ए गर्ल लाइक हर वहाँ पे कभी भी ऐसा सिचुएशन रहे कि मुझे अकेला ट्रैवल करना है तो उसको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, दूसरा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तीसरा इंडियन स्टूडेंट के लिए प्रॉपर उनके पास अपना हॉस्टल है, चौथा मेरा अपना बंदा है जो कि ना बच्चे को, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स होते हैं कि भाई भेज दिया एंड माय वर्क इज डन, नहीं। ए टू डजन प्राइवेट लिमिटेड एश्योर्स यू कि भाई वहाँ पे आपको भेजेंगे भी, वहाँ पे मेरा अपना बंदा है जो कि ना बच्चों को एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद उसका सिम कार्ड, उसका वीज़ा एक्सटेंशन, उसका इंश्योरेंस, उसका बैंक अकाउंट ओपनिंग, हॉस्टल में सेटल कराना, इवन उसका जो यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है, जो काम है, रजिस्ट्रेशन है, सारा काम करने के बाद 6 साल प्रॉपर गाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट हैं। इनके मामा जी हैं, तो सर थोड़ा सा अपना बताइए सर, अभी तक जब हमारी बातचीत हुई कहीं ना कहीं आपको ये पता था बच्ची जहाँ से जर्नी शुरू नहीं, हमें पता था, हमें पहले से ही पता था। और मैं इसके प्रियंका सिंह का मामा हूँ, चौधरी छत्रपाल सिंह, और हमें तो बड़ी खुशी है, और हम पहले से चाहते थे हमारी बेटी डॉक्टर बने। मेरी एक दूसरी बेटी भी यूपीएससी की तैयारी कर रही है इस टाइम, तो हमने बेटे में और बेटी में कोई फर्क नहीं समझा, कभी भी फर्क नहीं समझा, और हमें तो बहुत खुशी होगी कि आपके माध्यम से हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, हमें इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके भी घर में बच्चे होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड बींग ए गुड सिटीज़न कि बच्चों में फ़र्क ना कीजिए, लड़का है लड़की है, दोनों का सपना पूरा करने का हमारा अधिकार है, और उसके लिए हमारे तरफ से जो सपोर्ट रहेगा, आप एक एग्जांपल है इसको देखिए, और इनको आप समझ के अपने बच्चों को पढ़ाइए। और वी विश ऑल द बेस्ट प्रियंका, बेटा यू आर अ वेरी लकी चाइल्ड, मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स इतना सपोर्टिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ लिटरली, जहाँ पे पेरेंट्स थोड़ा सा पीछे बैक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं लड़की हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर पेरेंट्स, आपके मामा जी, आपके फादर, भाई, मामी जी, कि भाई यहाँ पे सबको ही आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आपके फैमिली के नज़र में, आप बहुत एक प्राउड मोमेंट है आज, समझ रहे हो कि भाई बच्ची डॉक्टर बनने जा रही है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इन योर लाइफ। 6 साल बच्चा इतना अच्छे से पढ़ना कि हर एक का जो सपना आप लेके जा रहे हो ना, पूरा करके आना। जो सपोर्ट हमारे तरफ से चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प यू, देयर इज वी नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये 6 साल इतना अच्छे से इन्वेस्ट करना कि डॉक्टर प्रियंका सिंह बन के आना है आपको। हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू, एंड सर थैंक यू सो मच।